आज हम प्रेमराज जी के साथ में हैं। गांव का नाम है कोठी नगला और जिला है बदायूं। मिर्ची की नर्सरी में, मिर्ची की पौधशाला में हमने कोनिका का स्प्रे किया था 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो आइए जानते हैं प्रेमराज जी से कि इनको क्या अंतर नजर आया। प्रेमराज जी बताइए। बढ़िया आया। बढ़िया मतलब क्या? आपको कल्ली साफ, कल्ली साफ मतलब पौधे जो है वो काफी साफ है। तो जैसा कि मनु जी आप शूट कर रहे हैं हमें, तो हम चाहेंगे कि आप सीधे रिजल्ट की तरफ जो है कैमरा लेकर के आइए। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रेमराज जी आइए खड़े होइए, आपके साथ में ये रिजल्ट देखते हैं। तो ये जो है, ये जो पौध है, इसमें कोनिका का स्प्रे नहीं हुआ है, ये जो है ट्रीटेड नहीं है। और जैसे इसके साथ वाला जो रो देखेंगे, उसमें जो है वो पौध जो है वो ट्रीटेड है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी जो है, साइज जो बराबर है, वो पौध का एकदम बराबर नजर आ रहा है। और इसमें कुछ छोटे बड़े नजर आ रहे हैं, रंग जो है उसका एकदम अलग आ रहा है, पत्तियां जो उसकी हैं नई वो अच्छी आ रही है, बढ़िया आ रही है। और क्या आपको अंतर नजर आया इसमें? उसमें खाली मकड़ी की शिकायत मालूम पड़ रही है। अच्छा, अभी मकड़ी की शिकायत है। तो किसान भाइयों के लिए ये संदेश क्या देना चाहेंगे कोनिका को लेकर? क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया लगाना, कोनिका कोनिका लगानी चाहिए। तो क्या हम इसको नर्सरी में किसानों के लिए लेकर के आए? बिल्कुल लगाएंगे लोग। हाँ लगाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देश के किसानों का विश्वास धानू का।